खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रेडिंग की ओपीडी जल्द खोल दी जाएगी। ओपीडी खोलने से पहले अस्पताल के तमाम शोबों से सिफारिशात भी तलब की गई हैं। लेडी रेडिंग अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक अगले हफ्ते से ओपीडी बहाल हो जाएगी। इसी की तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल रहमान, बताएगा ओपीडी बहाल की कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रेडिंग की ओपीडी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में लेडी रेडिंग अस्पताल के तमाम शोबों से सिफारिशात तलब कर दी गई है। तर्जुमान एलआरएच का कहना है कि मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते से ओपीडी बहाल करेंगे। उनका कहना है कि पहले मरहले में इंतहाई जरूरी जो शोबे है उसको खोल दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि कोरोना से मुतलक मरीजों की स्क्रीनिंग जो है वो खुले फिजा में होंगे। इसके अलावा कोरोना अलामत जाहिर न होने की सूरत में जो मरीज है उनको ओपीडीज में दाखिले की इजाजत होगी। तर्जुमान का ये भी कहना है कि ओपीडीज में महदूद तादाद में मरीजों का जो चेकअप है वो किया जाएगा और जो समाजी फासला है या देकर एसओपीज है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। जी ठीक है जी, शुक्रिया अब्दुल रहमान, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।